काशी पर आघात करना जरूरी था, इसलिए बार बार लगभग 1194 से लेकर के और जैसा आप जानते हैं 1669 तक औरंगजेब के काल तक बार बार आक्रांताओं ने यहाँ आक्रमण किया और हमारी जो ज्ञानात्मक परिचय था, जो आध्यात्मिक परिचय था, सांस्कृतिक परिचय था, जो हमारे मंदिर इत्यादि थे, उन सबको उन्होंने नष्ट किया ताकि ये धर्म किसी भी प्रकार से नष्ट हो। 1567 में अकबर ने बनारस को लूटने का फरमान जारी किया। हालांकि इन्हीं के दरबार के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने 1585 में मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। बाद में कहा जाता है कि राजा मानसिंह ने भी कुछ निर्माण कराया था, लेकिन काशीवासियों ने उसका विरोध किया था। 1632 में शाहजहां के दौर में काशी को बुत परस्तों का अड्डा बताया गया और शाहजहां ने वहां बने मंदिरों को तोड़ने का हुक्म जारी किया, लेकिन भारी विरोध के चलते काशी विश्वनाथ पर आंच नहीं आई। हालांकि तब 63 मंदिर तोड़े गए थे। शाहजहां का बेटा और औरंगजेब का भाई दारा शिकोह बनारस के ज्ञान वैभव से बहुत प्रभावित था। औरंगजेब को यह बात चुभती थी। औरंगजेब ने अपने फरमान में कहा, बनारस में ब्राह्मण काफिर अपने विद्यालयों में अपनी झूठी किताबें पढ़ाते हैं और जिसका असर हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों पर भी पड़ रहा है। और ये सदियों पुरानी बात है, कोई नई चीज नहीं है। औरंगजेब जिसके जिम्मे अंतिम बार ज्ञानवापी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने का आरोप चस्पा है, उसके भाई यहाँ संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की है दारा शिकोह। औरंगजेब ने सभी सूबों में मंदिरों और विद्यालयों को तोड़ने का आदेश दिया और काफिरों यानी गैर मुस्लिमों की पूजा पर कड़े प्रतिबंध लागू किए। इसी आदेश के चलते काशी विश्वनाथ मंदिर, जो विश्वेश्वर नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता था, पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। वाराणसी ज्ञानवापी सहित शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र है। ये दारा शिकोह की संस्कृत शिक्षा के प्रति आकर्षण से स्थापित होता है। उसके बाद दारा शिकोह के प्रेरणा से बहुत सारी धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया गया। दारा शिकोह इसके लिए जिम्मेदार है, कोई और नहीं। इससे एक चीज स्थापित हो रही है कि काशी धर्म का ही केंद्र नहीं, आध्यात्म का ही केंद्र नहीं, शिक्षा का भी केंद्र था। और कहीं न कहीं जो कट्टरपन औरंगजेब के मन में बैठा हुआ था, उसने दारा शिकोह के प्रति उसके मन में और दुर्भाव बढ़ाया। अंतिम परिणति पूरे इतिहास को मालूम है, पूरे समाज को मालूम है कि दारा शिकोह की हत्या हुई। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर मूर्ति चंद्र ने काशी का इतिहास नाम की पुस्तक में लिखा है, विश्वेश्वर नाथ मंदिर न सिर्फ गिराया गया बल्कि वहां ज्ञान वापी मस्जिद भी उठा दी गई। पुराने मंदिर की पश्चिमी दीवार गिरा दी और छोटे मंदिरों को जमींदोज कर दिया। पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी द्वार बंद कर दिए गए। द्वारों पर उठे शिखर गिराकर गुंबद स्थापित कर दिए गए। गर्भगृह को मस्जिद के मुख्य दालान यानी आंगन में बदल दिया गया। बीच में देखेंगे ये भगवान शंकर का, भगवान स्वयंभू विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। गर्भगृह में जो है भगवान शिव का 100 फुट का ज्योतिर्लिंग अभी भी विराजमान है। इसको पत्थर की पट्टियों से ढक दी गई है। ये दालान के रूप में निकाल दिया गया है और ये चारों तरफ जो है ये चौखुंटा था पुराना विश्वनाथ मंदिर, जिसमें कि सारे देवी देवताओं के मंदिर और ये सब सारी चीजें इसमें जो है दर्शाई गई हैं, इसी के नीचे मौजूद है। इसका जो दालान है पत्थर की पट्टियों से जो ढक दिया गया है, उसके नीचे 100 फुट के ज्योतिर्लिंग अभी भी विराजमान, यानी कि खुदाई होने पे वो निकल सकता है, निकलेगा, अपने स्थान पर है। यानी कि ASI को अगर इस मामले की खुदाई करे तो वो 100 फुट का ज्योतिर्लिंग है जी, प्रकट हो जाएंगे, वो स्थान पर प्रकट हो जाएंगे। 17वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का शेष ज्ञानवापी परिसर में निर्माण कराया।
ये मंदिर विश्वेश्वर नाथ के मंदिर के बगल की जगह पर बना है। असली मंदिर की जगह पर हिंदू पक्ष का दावा है कि अब मस्जिद बनी है। जब यहाँ पे काशी विश्वनाथ जी हमारे विराजमान थे, जब औरंगजेब ने तोड़ा उसके पहले यहाँ पे विश्वनाथ जी थे, ये अम्बिका स्वरूप थे, ये गणेश सिंगार गौरी जिसका आज विवाद चल रहा है ये थे, ये हमारे विश्वनाथ जी के वेस्ट में थे, समझे? क्या पार्ट ऑफ जजमेंट है ये पार्ट ऑफ द जजमेंट है, ये भी है, ये आला डॉक्यूमेंट पार्ट ऑफ द जजमेंट है ये 1937 का आगरा कोर्ट का लोअर कोर्ट से डिसाइड हुआ, हाई कोर्ट में गया। राजा टोडरमल, राजा मानसिंह और अहिल्याबाई होलकर के बाद अब काशी विश्वनाथ धाम एक कॉरिडोर की तरह सजा है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का, ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का, ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है, आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं।